श्रीमती सरोजनी हेम्ब्रम, श्रीमती सरोजनी हेम्ब्रम। धन्यवाद सर। सर आपने इस कॉलिंग अटेंशन में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। चेयरमैन सर, कुपोषण जैसे समस्या केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इससे सर पीड़ित है। कुपोषण की वजह से महिलाएं और बच्चों के जीवन में सफर में रुकावट सर आती है। विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाएं जो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादातर समय खेती काम में समय गुजारती हैं, जिससे वो अपना खाने पीने और पौष्टिक खाने का ध्यान नहीं दे पाती है, जिससे महिलाएं कुपोषण का शिकार होते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब हैं, आज भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पहाड़ के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ एसटी महिलाएं और शिशु ज़्यादा, उनका अवस्था बहुत ही गंभीर है। सर, हमारे उड़ीसा में 62 टाइप के आदिवासी रहते हैं, जिसमें वो उनके इससे छोड़ के जो प्राचीन आदिवासी जो हैं, जो प्रिमिटिव ग्रुप जो है, उस उन जंगल में जो रहते हैं, वो भी कुपोषण का शिकार सर हो रहे हैं। तो जो कि उनमें ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बहुत सारे योजनाएँ किए हैं, जिसमें उनको एजुकेटेड दिया जाता है और धीरे धीरे वो मुख्य स्रोत में शामिल हो रहे हैं। सर, न्यूट्रिशन में हमारे सरकार ने एक्शन प्लान के तहत 70 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया सर खर्च कर रहे हैं। और सर, इसके अलावा ममता स्कीम में हर गर्भवती महिलाओं के अपने शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए 5000 कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। और सर, मेरा ये सबमिशन है सर, कुपोषण समस्या के सही तरीके से दूर करने के लिए जहाँ पर सर कनेक्टिविटी नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पहाड़ इलाका है, वहाँ पे सर कनेक्टिविटी का सुचिंतित सर कनेक्टिविटी करें, और जो दूरस्थ क्षेत्र में सरकार के एम्बुलेंस को ज़्यादातर बढ़ाएं, और दूर दराज के लोगों के विशेष पैकेज प्रशिक्षण और आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ज़्यादा से करें, और जो आशा वर्कर है सर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, और जो बच्चों लोगों को वैक्सीन दिया जाता है उसको भी ठीक तरीके से दिया जाए, और जो मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण है उसको भी ठीक से सर करा जाए, और जो आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ पर सर जो क्वालिटी खाना उनको दिया जाए बच्चों लोगों को। और सर, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो है विभिन्न भाषावासी है, उनका अपनी भाषा में वो अवेयरनेस प्रोग्राम सर किया जाए गांव में। और इसके साथ सर और एक मिनट सर, मेरे विचार से जो कुपोषण का जो समस्या जो सही तरीके से दूर करने के लिए महिला शिशु कल्याण विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, एसटी विभाग, खाद्य और कृषि मंत्रालय और सरकार द्वारा स्थापित नया जल शक्ति मंत्रालय के बीच सटीक समन्वय और दृढ़ सहयोग स्थापन करके ठोस कदम उठाना चाहिए। सर, धन्यवाद। सर, धन्यवाद।